पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आज हम फैंटेसी का अध्ययन करेंगे और यह अवधारणा पाश्चात्य साहित्य से आई हुई है, इसलिए थोड़ी जटिल अवधारणा प्रतीत होती है छात्रों को। और परीक्षा में अनिवार्य रूप से इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि फैंटेसी क्या है। तो आज हम फैंटेसी का अध्ययन इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे फैंटेसी का प्रयोजन, फैंटेसी का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से कोई साहित्यकार या कोई कवि फैंटेसी का अपने साहित्य में प्रयोग करता है, उसका पर्पस क्या होता है। फैंटेसी के संबंध में मुक्तिबोध के विचार, गजानंद माधव मुक्तिबोध नाम के एक बहुत बड़े कवि और आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य के, और उन्होंने अपनी कुछ कविताओं में फैंटेसी का बहुत ही सफल प्रयोग किया है और बहुत ही महान कवि हैं ये। इसके बाद इनके क्या मुक्तिबोध के विचार को जानने के बाद हम जानेंगे फैंटेसी के संबंध में फ्रायड, एडलर और जुंग के विचार। वास्तव में यह जो फैंटेसी शब्द है वह मनोविज्ञान से आया हुआ है और बहुत ही तीन महान मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड, एडलर और जुंग। इनके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है मनोविश्लेषणवाद, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि फैंटेसी का संबंध मनोविज्ञान से है इसलिए फ्रायड, एडलर और जुंग इन तीनों ने भी फैंटेसी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद फैंटेसी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फैंटेसी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद मेरे तीन एपिसोड और कंटिन्यू आएंगे, छात्रों की बहुत डिमांड है, और वे टॉपिक होंगे बिंब, प्रतीक और मिथक। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स बता देता हूं कि फैंटेसी है क्या चीज। फैंटेसी एक प्रकार की कल्पना ही है और इसका संबंध कल्पना से तथा हमारे अवचेतन मन से होता है। फ्रायड ने हमारे मन को तीन भागों में विभाजित किया है, चेतन मन, कॉन्शस माइंड, मतलब जो हम दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं वह चेतन मन के आधार पर करते हैं जिस पर हमारी बुद्धि और तर्क का नियंत्रण होता है। दूसरा होता है अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब हम सो जाते हैं तब यह जागृत होता है। यह कब जागृत होता है, जब हम सो जाते हैं और इसी में हम सभी स्वप्न देखते हैं। इसके बाद होता है हमारा अवचेतन, अचेतन मन। अचेतन मन मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारे जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो वहीं पर संचित होती हैं। हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते, वो इच्छाएं हमारी हमारे अचेतन मन जो होता है वहां पर संग्रहित हो जाती हैं। तो जो फैंटेसी का संबंध होता है यह हमारे मन का जो बीच वाला हिस्सा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उससे फैंटेसी का संबंध होता है जिसके माध्यम से हम स्वप्न देखते हैं। फैंटेसी का प्रयोग साहित्य में टेक्निक के रूप में किया जाता है, मतलब फैंटेसी के द्वारा कोई कवि अथवा साहित्यकार ऐसी दुनिया का, ऐसे संसार का सृजन करता है जिसके होने की कोई संभावना नहीं होती, मतलब जिसके होने की कोई संभावना नहीं है उसके बाद भी वह अपने कल्पना के माध्यम से उसका सृजन करता है, उसकी संभावना तलाश करता है, इसे कहते हैं फैंटेसी। तो चलिए अब हम समझते हैं फैंटेसी वास्तव में है क्या चीज। आधुनिक काव्य चिंतन में कल्पना के साथ फैंटेसी की चर्चा भी बराबर होती है। इसका कारण यह है कि फैंटेसी भी एक प्रकार की कल्पना भी है। फैंटेसी भी क्या है, कल्पना का ही एक रूप है। प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था जिसका आधार असत्य या मिथ्या होता है, मतलब जो ट्रूथ नहीं है, झूठ है। मतलब प्लेटो ने भी इसके बारे में चर्चा की थी और फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था, और इनके अनुसार क्या था, प्लेटो के अनुसार इसका जो आधार था, जो बेस था, वह असत्य था, मिथ्या था, झूठ था। अतः फैंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द फैंटेसिया से हुआ है। फैंटेसी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, फैंटेसिया शब्द से, जिसका प्रयोग किया था प्लेटो ने, जिसका अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है, मतलब मनुष्य की वह क्षमता जिसके आधार पर वह एक ऐसी संसार की कल्पना करता है जो कि असंभाव्य है, जिसके होने की कोई संभावना नहीं है।
मतलब जिसके होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, उसकी जब कल्पना करता है तो किसके माध्यम से करता है? कोई साहित्यकार या कवि? फैंटेसी के माध्यम से करता है। मानवी की कोश में फैंटेसी को स्वप्न मूलक चित्र साहित्य, स्वप्न चित्र मूलक साहित्य अर्थात यूटोपियन लिटरेचर कहा गया है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। मानविकी कोश मतलब एक शब्द कोश है मानविकी का, तो एक शब्द कोश में क्या बोला गया है, मानविकी शब्द कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र, स्वप्न में देखे गए चित्र है ना, जो स्वप्न के आधार पर जो हमारे दिमाग में जो बिंब बनते हैं, जो इमेज बनते हैं, उसके आधार पर जो साहित्य की रचना की जाती है, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूटोपियन लिटरेचर। मतलब स्वप्न में, स्वप्न के आधार पर एक इमेज बनता है, बिंब बनता है आपके दिमाग में, और उस बिंब या इमेज के आधार पर आप साहित्य की रचना करते हैं। इसको बोलते हैं यूटोपियन लिटरेचर, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और ऐसे साहित्य में जो ऊपर बता चुका हूं मैं, असंभाव्य जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, उन संभावनाओं, ऐसे संसार जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी परिस्थितियां जिनके होने की कोई संभावना नहीं है, उनको उन संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी कल्पना में। मतलब फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, तो फैंटेसी क्या है? कल्पना पर आधारित होती है, जिसे दिवा स्वप्नात्मक, दिवा स्वप्नात्मक किसको बोलते हैं? डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में जागती आंखों से स्वप्न देखना, कुछ सोचना, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने है ना, शेख चिल्ली के सपने, जागते हुए आंखों से हम कोई ख्वाब देखते हैं। आपने कई बार लोगों को अचानक मुस्कुराते हुए देखा होगा, अकेले में बात करते हुए देखा होगा, तो इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग, अथवा दुःस्वप्नात्मक नाइटमार, मानसिक बिंब कहा जा सकता है। मतलब दुःस्वप्नात्मक क्या होता है? कुछ बुरी यादें, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए कड़वी यादें बुरी यादों की तरह होती है, दुःस्वप्न होती है, या फिर कोई ऐसा बेकार हम सपना देखते हैं जिसको, जो हमको झकझोर के रख देता है, नाइटमार बोलते हैं, तो इनका मानसिक बिंब कहा जा सकता है। तो कैसी कल्पना पर आधारित होती है फैंटेसी? हमारे डे ड्रीमिंग, दिन में जागती आंखों से जो स्वप्न देखते हैं, अथवा मानसिक बिंब। मानसिक बिंब मतलब दिमाग में बनने वाले इमेज, मानसिक रूप से जो इमेज हमारे हमारे दिमाग में बनते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, जिसे दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक मानसिक बिंब कहा जा सकता है। मतलब फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, और एक ऐसे इमेज होते हैं जो कि हमारे डे ड्रीमिंग अथवा नाइटमार पर आधारित होते हैं। तो यह आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा भली भांति इसको समझ चुके होंगे, लेकिन इन सब चीजों को आपको लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आप इत्मीनान से मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आप बिल्कुल इसको समझ पाएंगे। यह एक प्रकार की साहित्यिक तकनीक है, जिसका संबंध मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं की ऐसी बिंबावलियों से होता है जो विघटित एवं बेतरतीब होती है। मतलब यह फैंटेसी क्या है, एक लाइन में यदि बोले तो साहित्यिक तकनीक है, साहित्य लिखने का एक टेक्निक है, जिसका संबंध किससे होता है? मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन, सब कॉन्शस माइंड में घटित होने वाली घटनाओं, मतलब हम जो स्वप्न देखते हैं, अब स्वप्न पर तो हमारा अधिकार नहीं होता कि हम जैसा चाहेंगे वैसा स्वप्न देखेंगे, कि वे एक प्रॉपर ऑर्डर में हम चीजों को देखेंगे, तो यह सारी स्वप्न कहां पर घटित होता है? सब कॉन्शस माइंड में ये घटनाएं घटित होती है। और जितनी भी घटनाओं को हम यहाँ पर सपनों में देखते हैं, वे कैसे होते हैं? प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, बेतरतीब होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि स्वप्न पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और प्रायः हम स्वप्न में क्या देखते हैं? हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो हमारे अचेतन मन में संचित है, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई, चाहे सामाजिक वर्जनाएं हैं, चाहे नैतिक मूल्य हैं, चाहे कानून है, चाहे जो भी कारण हो, जो इच्छाएं हमारी अतृप्त रह जाती हैं, वे क्या है, जब हम सो जाते हैं तो वे इच्छाएं आ जाती है हमारी सबकॉन्शस माइंड पर आ जाते हैं। अब सबकॉन्शस माइंड उसके आधार पर सपना देखने लगता है, जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता, क्योंकि सपनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो जिन घटनाओं को हम अपने सपनों में देखते हैं, वे बिखरी हुई होती है, बेतरतीब होती है ना। तो यह एक प्रकार के साहित्यिक तकनीक है, मतलब जो फैंटेसी का संबंध इन्हीं बातों से होता है, ऐसे ऐसे ही सपनों से होता है। फैंटेसी का प्रयोजन क्या है, फैंटेसी का उद्देश्य क्या है? यह मनोविज्ञान से संबंधित विषय है, आप हमेशा ध्यान में रखें, जो फैंटेसी जो शब्द है मनोविज्ञान से आया है, मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए मन को समझना आपको जरूरी है। फैंटेसी का उद्देश्य क्या है,
कोई भी साहित्यकार फैंटेसी को टेक्निक के रूप में क्यों प्रयोग करता है, उसके क्या पर्पस होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? तो फैंटेसी के प्रयोग करने के तीन उद्देश्य होते हैं। साहित्यकार जब अपने किसी साहित्यिक कृति में, किसी कविता में, किसी कहानी में या उपन्यास में जब फैंटेसी का प्रयोग करता है तब उसके तीन उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है मनोरंजन करना, है ना, ऐसा इमेजिनेशन ला देता है हमारे सामने तो हमारा मनोरंजन हो जाता है। दूसरा हो जाता है यथार्थ से पलायन, मतलब यथार्थ की जो कड़वी सच्चाइयां हैं जो साहित्यकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है, कवि को बर्दाश्त नहीं हो रही, वह उनसे दूर जाना चाहता है, पलायन करना चाहता है, तो वह काल्पनिक दुनिया में चला जाता है फैंटेसी के माध्यम से। तीसरा, दोषयुक्त मानव तथा दोषयुक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। दोषयुक्त मानव मतलब जो मनुष्य है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां करता है, और जो संसार है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों से को जो कवि या लेखक है, साहित्यकार है, बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह एक काल्पनिक दुनिया का सृजन करता है, एक यूटोपिया का सृजन करता है। तो तीन उद्देश्य हो गए, ये आपको लिखना जरूरी है, ये फैंटेसी का उद्देश्य है। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो फैंटेसी का प्रयोजन जैसे बाबू देवकीनंदन खत्री है, बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता ऐसे उपन्यास लिखे हैं, है ना, इसमें उन्होंने, ये इनके तिलस्मी उपन्यास है, तिलस्म है, फैंटेसी है, तिलस्मी उपन्यासों में, तिलस्मी मतलब जादुई, तिलस्मी उपन्यासों में जिस फैंटेसी का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य मनोरंजन एवं यथार्थ से पलायन करना है। तो बाबू देवकीनंदन खत्री ने जब ये उपन्यास लिखे तो ऐसा माना जाता है कि जो अंग्रेज लोग थे वो भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीख रहे थे, तो इतनी लोकप्रियता थी इसकी। तो बाबू देवकीनंदन खत्री ने फैंटेसी का प्रयोग किस लिए किया अपने जादुई उपन्यासों में? मनोरंजन करने के लिए, यथार्थ से पलायन करने के लिए, मतलब वो लोगों का मनोरंजन करना चाहते थे। भारत उस समय गुलाम था, तो प्रताड़ित था, पीड़ित था, तो चाहते थे कि लोगों का मनोरंजन हो, इसलिए उन्होंने लिखा। जबकि मुक्तिबोध की कविताओं में प्रयुक्त फैंटेसी का उद्देश्य मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। जबकि मार्क्सवादी जो साहित्यकार हुए हैं, ये मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, प्रगतिवादी चेतना से युक्त हैं, तो इन्होंने फैंटेसी का प्रयोग क्यों किया? जो मानव और संसार है उनकी जो कड़वी सच्चाई है, जो यथार्थ है, है ना, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, मतलब जो उनके समकालीन जो दुनिया थी जिस समय वो लेखन कार्य कर रहे थे, प्रगतिवादी उन्होंने लेखन किया हुआ है और वे मार्क्सवाद से प्रभावित रहे, तो दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है ना, जो मनुष्य है उसकी जो इच्छाएं हैं और जो संसार है उसके प्रति अपने नए प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए इन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। तो देवकीनंदन खत्री जी ने मनोरंजन के लिए किया है और मुक्तिबोध ने यथार्थ से पलायन करने के लिए, दुनिया की कड़वी सच्चाई से दूर जाने के लिए फैंटेसी का प्रयोग किया या उसका उल्लेख करने के लिए। फैंटेसी के संबंध में मुक्तिबोध के क्या विचार है? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने फैंटेसी पर विचार किया है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, जिन्होंने कामायनी को भी फैंटेसी घोषित किया है। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी एक आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने फैंटेसी के संबंध में अपने पूरे विचार और विचार विवेचन किया है और उन्होंने कामायनी को भी फैंटेसी घोषित किया है। तो इनके क्या विचार है देखते हैं। प्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध की कविताओं ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। अब इनका कहना क्या है, फैंटेसी में किन किन चीजों को व्यक्त करता है कोई साहित्यकार? निगूढ़ वृत्तियों, और निगूढ़ वृत्ति यहां पे मैंने मीनिंग आपको दिया हुआ है, निगूढ़ मतलब रहस्यपूर्ण अर्थ वाला, जो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, जो गोपनीय है, अत्यंत गुप्त है, ऐसे वृत्तियों का। वृत्त मतलब क्या होता है? इतिहास या वृतांत या कहानी, जैसे जीवन वृत्त, जीवन इतिहास। तो निगूढ़ वृत्तियों का मतलब वे घटनाएं या मन के अंदर छुपी हुई, दबी हुई वही इच्छाएं जो अत्यंत गुप्त हैं, और अनुभूत जीवन समस्याओं, जीवन की वे समस्याएं जिनका साहित्यकार ने अनुभव किया है, किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है, जीवन की वे समस्याएं जिसका साहित्यकार ने अनुभव किया है, इसका वर्णन करता है। इच्छित विश्वासों, इच्छित विश्वासों मतलब जिन विश्वासों चाहता है कि वो विश्वास मूर्त रूप लें, जिसकी वह इच्छा करता है कि ये चीजें मूर्त रूप हों, समाज ऐसा होना चाहिए, संसार ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा विश्वास है।
है ना, जैसे साम्यवाद की स्थापना होगी, अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा, ऐसे इच्छित विश्वास है और इच्छित जीवन स्थितियों, मतलब जीवन की जो स्थिति है, मतलब जीवन कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे जीवन की वह इच्छा करता है साहित्यकार, इच्छित जीवन स्थितियों लाइफ सिचुएशंस का प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप मतलब क्या होता है, आगे की ओर जोर से फेंकना, यहां पर प्रक्षेप का मतलब होता है प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना तो प्रक्षेपित करते हैं उसको, तो वैसे ही मतलब गजानंद माधव मुक्ति बोध के अनुसार फैंटेसी का क्या 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 उद्देश्य है, फैंटेसी में क्या क्या चीजों का उल्लेख होता है, मन के अंदर छिपी हुई जो गोपनीय भावनाएं हैं, साहित्यकार के जीवन की जो समस्याएं हैं जिसका उसने अनुभव किया है, और जो विश्वास है वो चाहता है कि यह विश्वास सच हो, ऐसे ऐसी जो विश्वास है वो चाहता है कि यह विश्वास सच हो, और ऐसी जीवन की स्थितियां जिनकी वह इच्छा रखता है कि ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए, इनका उल्लेख करता है। मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, दो तीन कविताएं हैं, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और लकड़ी का रावण, इनमें फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इसको, उनका कहना क्या है। अब इसके आधार पर, मुक्तिबोध के आधार पर उपर्युक्त कथन का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तीन बातें सामने आती हैं फैंटेसी के बारे में, क्या क्या सामने आती हैं। फैंटेसी में मन के निगूढ़ तत्व, गोपनीय तत्व उद्भाषित होते हैं। फैंटेसी में क्या होता है, जो मन में जो दबी छिपी जो इच्छाएं हैं, जो गोपनीय इच्छाएं हैं, वे प्रकाशित होती हैं, प्रकट होती हैं फैंटेसी के माध्यम से। ये पहला काम हो गया। दूसरा, अनुभूत जीवन समस्याएं प्रक्षेपित होती हैं, प्रोजेक्टेड होती हैं। साहित्यकार या कवि के जीवन के जो अनुभव, जिन समस्याओं का उसने अनुभव किया है, उनको वह प्रकट करता है, प्रकाशित करता है, प्रोजेक्ट करता है। तीसरा है, इच्छित जीवन स्थितियां, जिन लाइफ सिचुएशंस की वो होप करता है, उम्मीद करता है कि जिंदगी में ऐसे 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 सिचुएशन होने चाहिए, हमारे हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, अर्थात जैसे जीवन, जैसी जीवन स्थितियों की हम कामना करते हैं, वे भी इसमें प्रक्षेपित होती हैं। मतलब एक साहित्यकार कभी कभी जिस प्रकार के जीवन की कामना करता है, उसको इसमें प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो ये तीन बातें हो गई। इसके बाद फैंटेसी के संबंध में फ्रायड, एडलर और जुंग के विचार। तीन महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फ्रायड, एडलर और जुंग, जिन्होंने, जिसके कारण हम मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन करते हैं, मनोविश्लेषणवाद इन्हीं के कारण आया हुआ है, और फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने, फ्रायड, एडलर और जुंग ने इस पर विचार किया है। जो एडलर हैं, जो फ्रायड हैं, वे बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मतलब उन्होंने सपनों की व्याख्या की है, और इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 1000 केस स्टडीज किया है। 1000 केसों का स्टडी किया, मतलब 1000 लोगों की जो सपने थे, 1000 लोगों ने जो सपने देखे, उन सपनों का अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके इन्होंने एक किताब लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो इसी के आधार पर फैंटेसी के इन्होंने बहुत ही बढ़िया विवेचन किया हुआ है, आगे हम देखते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में फैंटेसी का सामान्य अध्ययन सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग जैसे विचारकों ने किया है। इनका कहना क्या है, आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्नों के गंभीर अध्ययन द्वारा पहले पहल इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला तथा फैंटेसी और विचारों के संबंध को स्पष्ट किया। इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के माध्यम से हमारे जो फैंटेसी है और हमारे जो विचार है, इन दोनों में क्या संबंध होते हैं, इसका अध्ययन किया, इस पर प्रकाश डाला है। कवि और दिवा स्वप्न, कवि और दिवा स्वप्न मीन्स पोएट एंड डेड ड्रीमिंग। डेड ड्रीमिंग में बता चुका हूँ, शेख चिल्ली के सपने, खुली आंखों से सपने देखना, जागते आंखों से सपने देखना कि मैं कलेक्टर बन गया तो मैं ये करूंगा, मैं कलेक्टर बन गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुंगरी लाल के हसीन सपने देखना। तो कवि और दिवा स्वप्न का क्या संबंध होता है, तो कवि और दिवा स्वप्न विषय पर अपने लेख में फ्रायड ने कहा है कि अतृप्त इच्छाएं फैंटेसी की प्रेरक शक्तियां हैं। फैंटेसी का जन्म कहाँ से होता है, हमारी अतृप्त इच्छाओं से होता है, और अतृप्त इच्छाएं कहां पर होती है, हमारे अचेतन मन में होती है, अनकॉन्सियस माइंड। अचेतन मतलब अनकॉन्सियस माइंड सबसे जो नीचे होता है, इसमें हमारी अतृप्त इच्छाएं छुपी रहती हैं, दबी रहती हैं, और यहीं से फैंटेसी प्रेरित होती है ना। यह फैंटेसी क्या होते हैं, हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्सियस माइंड में, स्वप्नों के रूप में परिलक्षित होती है, और इसी से फैंटेसी का जन्म होता है। तथा दिवा स्वप्नों की ओर इंगित करते हुए कहा कि कवि दिवा स्वप्नों को जो कलात्मक रूप प्रदान करता है, वह इन्हीं अतृप्त इच्छाओं का ही परिणाम होता है,
जो माध्यम रूप में प्रचलन होता है। मतलब फैंटेसी के माध्यम से कवि क्या कहता है, फैंटेसी के माध्यम से कोई कवि या साहित्यकार अपनी अतृप्त इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। फैंटेसी के माध्यम से कोई कवि या साहित्यकार अथवा लेखक अपनी अतृप्त इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है जो माध्यम रूप में प्रचलन होता है। मतलब फैंटेसी माध्यम है जिसको प्रकाशित करने का, अतृप्त इच्छाओं को प्रकाशित करने का, पब्लिश करने का माध्यम क्या है, फैंटेसी है। अब दिवा सब ने यहां बता सबने क्या होता है, अकर्मण्य एवं निराश व्यक्ति का बैठे बैठे हवाई किले बनाना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डे ड्रीमिंग करना। कोई व्यक्ति बहुत अकर्मण है, काम धाम कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मार्क्स पूरे 100 में 100 चाहिए, इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग करना, है ना। मतलब बिना मेहनत किए बस ख्याली पुलाव बनाना, हवाई किले बनाना, सोचते रहना, इसको बोलते हैं दीवा स्वप्न। कुछ लोगों को आपने अपने आप मुस्कुराते हुए बातें करते हुए भी देखा होगा, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। तो ये चीजें जब हद से आगे बढ़ जाती है ना, तब आदमी पागल हो जाता है। फ्रायड का विश्वास था कि दीवा, इसको इल्यूशन भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग कि सामने बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं और व्यक्ति वहां पर मौजूद है ही नहीं, इसको बोलते हैं इल्यूशन, मानसिक बीमारी है ये। फ्रायड, आपको मजा आ रहा होगा इस लेक्चर में, मुझे ऐसा लगता है। फ्रायड का विश्वास था कि दीवा स्वप्नों के सचेत अध्ययन से मानव की आकांक्षाओं एवं व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों का भी उद्घाटन होता है। मतलब यदि कोई डे ड्रीमिंग, कोई मनोवैज्ञानिक यदि किसी के डे ड्रीमिंग या दीवा स्वप्न का अध्ययन करता है ढंग से, तो उसे क्या पता चलता है, उस मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं, क्या इच्छा और आकांक्षा है, और उसके व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों का भी उद्घाटन होता है। इसीलिए उन्होंने इनके सपनों का अध्ययन किया होता, डे ड्रीमिंग का, डे ड्रीमिंग का, नाइट मार, सबका अध्ययन किया था फ्रायड ने। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी फैंटेसी को काल्पनिक चिंतन का ही एक रूप माना है जो वस्तु जगत की परिस्थितियों से उतना निर्धारित नहीं होता जितना कि व्यक्ति की इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों और भावों के द्वारा। मतलब जितने भी अन्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका भी कहना यह है कि फैंटेसी का संबंध कल्पना से होता है, फैंटेसी का संबंध यथार्थ जगत से नहीं होता, और यह किससे परिचालित होता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट जो हमारी होती है, जो मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, और भावों के द्वारा, इमोशंस के द्वारा। फ्रायड के शिष्यों एडलर एवं जुंग ने भी फैंटेसी के बारे में काफी चिंतन किया है। कार्ल जुंग फैंटेसी को मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन का पर्याय मानते हैं। फैंटेसी का कहना है कि फैंटेसी का मतलब होता है मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन आगे हम देखेंगे। जैसा कि संज्ञा से स्पष्ट है, मुक्त साहचर्य में मन को चिंतन के दबाव से मुक्त रखा जाता है। इस प्रकार यह अवरोधहीन असंगत बिंबों का समुच्चय होता है। इसके विपरीत अभिप्रेरित डायरेक्ट फीलिंग पर विवेक का दबाव होता है जो उसे एक निश्चित दिशा में चलने को बाध्य करता है। मतलब फैंटेसी का संबंध क्या है, मन और चिंतन। मन और चिंतन यहां पर कैसा है, जो बुद्धि है उसका मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपको मालूम है कि जो हमारा चेतन मन है उस पर बुद्धि का नियंत्रण होता है, तर्क का नियंत्रण होता है। इसीलिए जब हम जागते होते हैं ना, तो कोई भी गलत काम करने के पहले बहुत बार बार सोचते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन, जो हमारा बुद्धि होता है, मन को रोक देता है कि नहीं नहीं ये गलत है, यह मत करो। लेकिन यहां पर मुक्त साहचर्य मतलब बुद्धि का मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो फैंटेसी में क्या होता है, बुद्धि पर मन का कोई नियंत्रण नहीं होता, मन जैसा चाहे वैसा सोचता है। और इसके विपरीत क्या होता है, अभिप्रेरित मतलब डायरेक्टेड फीलिंग पर विवेक का दबाव होता है जो उसे एक निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। तो यह होता है कल्पना। जब हम कोई कल्पना करते हैं तो कल्पना एक अलग चीज है, कल्पना पर बुद्धि का पूरा नियंत्रण होता है। तो कवि जब कल्पना करता है तो उसका बुद्धि पर पूरा नियंत्रण, बुद्धि का पूरा कल्पना पर नियंत्रण होता है, मन पर नियंत्रण होता है। लेकिन जब वह फैंटेसाइज करता है तो बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। तो फैंटेसी और कल्पना में क्या बेसिक डिफरेंस है, फैंटेसी में बुद्धि का मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता और कल्पना में बुद्धि का मन पर नियंत्रण होता है। यह अंतर होता है जो फिर निश्चित दिशा में सोचने के लिए बाध्य करता है तो वह कल्पना हो जाता है। मनोविश्लेषण शास्त्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रस्तुत किया जाता है कि कविता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के तनाव का परिणाम होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, और जो अनुभव होता है, जो हम अनुभव करते हैं, कोई कवि कुछ अनुभव करता है जीवन में, तो इन दोनों के कारण वह कविता लिखता है। यह तनाव कवि को फैंटेसी की एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाने के लिए विवश करता है जो वास्तविक दुनिया से एक निश्चित और सक्रिय संबंध रखता है। तो वास्तव में जो फैंटेसी है
वह कवि को बाध्य कर देता है, साहित्यकार को बाध्य कर देता है कि वह एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का सृजन करे, लेकिन इस काल्पनिक दुनिया का संबंध हमारी वास्तविक दुनिया से भी थोड़ा बहुत होता है। इस तरह फैंटेसी का अर्थ केवल कल्पना नहीं है, वरन उसका एक निश्चित भौतिक आधार होता है, जहां से अर्थात अवचेतन मन से वह जन्म लेती है। मतलब फैंटेसी बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं होता। फैंटेसी में क्या होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, फैंटेसी की एक पृष्ठभूमि होती है, और उस फैंटेसी की पृष्ठभूमि कहाँ होती है, उसका आधार कहाँ पर होता है, बेस कहाँ पर होता है, अवचेतन मन में होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जहां से उसका जन्म होता है। मतलब जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो एक उसका बेस बनाते हैं, पहले बुनियाद बनाते हैं, नींव खोदते हैं, पहले नींव बनाते हैं घर के लिए। वैसे जो फैंटेसी एक घर है, और उसकी बुनियाद क्या है, अवचेतन मन है। फैंटेसी में रचनाकार को कल्पना के माध्यम से रचना संसार में विचरण करने की पूरी छूट होती है। मतलब फैंटेसी है तो कुछ भी कल्पना कर सकता है। फैंटेसी में यथार्थ कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक विस्मय उपस्थित करता है, पाठकों को विचारों में डूबने उतरने की स्थिति में ला देता है। मतलब जो जीवन के यथार्थ हैं, जैसे मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध ने जीवन के यथार्थ का उल्लेख किया है फैंटेसी के माध्यम से, लेकिन वह हमको एक अलग ही दुनिया में लेकर चले जाते हैं, जो हमको सोचने के लिए बाध्य कर देता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? उसका बाह्य रूप कुछ अनगढ़ एवं अमूर्त सा प्रतीत होता है, किंतु आंतरिक रूप तर्क संगत एवं कटु सत्यों से पूर्ण होता है। जैसे आप अंधेरे में कविता को पढ़ते हैं, तो अंधेरे में कविता का जब आप पढ़ेंगे, या ब्रह्म राक्षस को आप पढ़ेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये क्या है, समझ में नहीं आता, कैसा चित्र, कैसा बिंब यहाँ पर है, कैसा कैसी परिस्थितियां कवि ने यहाँ पर निर्मित कर दिया है। आपको लगता है कि बिल्कुल बेतरतीब है, कोई इसमें प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, परंतु जब उसकी गहरी विवेचना करते हैं, जब उसके अंदर जाकर उसकी समीक्षा करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, अंधेरे में या फिर ब्रह्म राक्षस या फिर लकड़ी का रावण, तब आपको समझ में आता है कि उन्होंने जीवन की तल्ख सच्चाइयों को, जीवन की कड़वी सच्चाइयों को, जो तर्क संगत है, जो बिल्कुल लॉजिकल है, जो बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जो तर्क संगत है, उसको उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से व्यक्त किया है। फैंटेसी में अति प्राकृत तत्व का आकर्षण होता है। अति प्राकृत मतलब सुपर नेचुरल, जैसे ब्रह्म राक्षस है, सुपर नेचुरल है, एक व्यक्ति जो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, जो ब्रह्म राक्षस बन गया है ना। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं के साथ मर जाता है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। कई बार या कई समाज में यह माना जाता है कि बिना शादीशुदा आदमी जब मर जाता है, कुछ अतृप्त इच्छाएं उसकी रह जाती है, तब वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो अति प्राकृत तत्व का आकर्षण होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भली भांति समझ सकते हैं। तो जिन अतृप्त इच्छाओं को लेकर यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है, ऐसी मान्यता है। मतलब यह सुपर नेचुरल एलिमेंट हो गया, जिसे पाठक या श्रोता का मनोरंजन भी होता है, इसको पढ़ने में मजा भी आता है। आप चाहे उसका पढ़ेंगे चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता, या फिर आप इनका पढ़ेंगे अंधेरे में, या इन सारी कविताओं को पढ़ेंगे, तो आपको मनोरंजन भी होता है पाठक या श्रोता का। तो फैंटेसी की रचना सुगम नहीं है, सरल सुगम नहीं है, बल्कि श्रम साध्य होती है। तो फैंटेसी की रचना करने वाले जो साहित्यकार होते हैं, जो कवि होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत ही श्रम साध्य, और इसके लिए प्रतिभा और श्रम दोनों की आवश्यकता होती है। उसमें असाधारण वैकल्पिक कौशल की आवश्यकता होती है, और उसमें पात्रों के व्यवहारों एवं क्रियाकलापों के समानांतर ही भाषा, प्रतीक और बिंब भी असामान्य होते हैं, जो दुरूह भी होते हैं, किंतु यदि वे अत्यधिक दुरूह नहीं है, तो यह फैंटेसी की रचना के लिए स्वस्थ गुण है। मतलब इसमें जो पात्र आते हैं, ऐसी कविताओं में, ऐसे साहित्य में जो पात्र आते हैं, तो उनके जो क्रियाकलाप है या उनकी जो भाषा है, उसको व्यक्त करने के लिए उनकी भाषा भी वैसी होनी चाहिए जो फैंटेसी को सही ढंग से प्रतिबिंबित और परिलक्षित करे। अभी मैं आपको प्रतीक और बिंब और मिथक, इन तीनों पर भी मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगा। प्रतीक क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं, और मिथक क्या होते हैं। तो जो फैंटेसी की रचना करते हैं जो साहित्यकार, तो फैंटेसी में क्या होना चाहिए, जो उनकी भाषा है, जो पात्रों के व्यवहारों को परिलक्षित करने वाली जो भाषा है, उनके क्रियाकलाप हैं, उनके पैरेलल ही क्या होना चाहिए, उनका भाषा भी होना चाहिए, वैसे प्रतीक उसमें आना चाहिए, वैसे बिंब, बिंब मतलब होता है इमेज, प्रतीक मतलब जैसे हमारा तिरंगा झंडा राष्ट्र का प्रतीक है, यह प्रतीक हो गया। बिंब मतलब होता है इमेज, कि कोई हम इमेज बनाते हैं, दिमाग में चित्र बनाते हैं, उसको बोलते हैं बिंब। डिटेल वीडियो में आप समझ पाएंगे, अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसी भाषा जो कठिन नहीं होनी चाहिए, दुरू नहीं होनी चाहिए, भाषा थोड़ी सरल होनी चाहिए, ताकि पाठकों को समझ में भी आए, यह फैंटेसी के लिए अच्छी बात है। श्रेष्ठ फैंटेसी वही होती है जिसमें यथार्थ एवं, यथार्थ मतलब रियलिटी,
एवं फैंटेसी से संबंधित विचारों का स्वस्थ एवं सानुपातिक समन्वय दूध और पानी की तरह अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सबसे अच्छी फैंटेसी वह होती है जिसमें यथार्थ और कल्पना का निश्चित अनुपात में योग होता है। जैसे जब हम दूध में जो पानी मिला देते हैं, और दूध से पानी को अलग थोड़ी किया जा सकता है, मतलब साइंटिफिकली नहीं, जनरल उसके बता रहा हूं, सामान्य जिंदगी में। यदि यथार्थ और फैंटेसी संबंधी विचार अलग अलग अस्तित्व रखते हैं तो फैंटेसी उत्कृष्ट नहीं कही जा सकती। फैंटेसी का समापन प्रायः दुखांत होता है। मतलब जो यथार्थ है, जो रियलिटी और फैंटेसी है, बिल्कुल अलग अलग विचारों, इनके विचार अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। मतलब इनको आपस में ऐसा घुल मिल जाना चाहिए, यथार्थ को और फैंटेसी को, कि हमको वहां पर कोई गतिरोध प्रतीत ना हो, उनको अलग ना किया जा सके, बिल्कुल घुल मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, तभी यह उत्कृष्ट कही जाएगी। और फैंटेसी का समापन प्रायः दुखांत होता है, ट्रेजिक एंडिंग होती है, ट्रेजडी। जैसे ट्रेजडी का अंत होता है ना, ट्रेजडी मतलब त्रासदी, ट्रेजडी का अंत दुखांत होता है, वैसे फैंटेसी का समापन, जब फैंटेसी समाप्त होती है तो वह प्रायः दुखांत होती है, दुख से इसका समापन होता है, ट्रेजडी, ट्रेजिक एंडिंग होता है। अब फैंटेसी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, फैंटेसी की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आप यह ध्यान रखें, आपको परीक्षा में इन सारी बातों को आपको लिखना है। यदि कम अंक का प्रश्न आता है तो कुछ चीजों को आप कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी बातों का आप उल्लेख करें, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और आप मूल्यांकनकर्ता को अंक देने के लिए बाध्य कर देंगे। फैंटेसी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, फैंटेसी के क्या क्या मुख्य विशेषताएं देखते हैं। फैंटेसी के संबंध में सामान्यतः निम्नलिखित बातें मानी जाती है फैंटेसी के संबंध में। फैंटेसी भी एक तरह की कल्पना ही है, किंतु कवि की रचनात्मक कल्पना से इसका स्वरूप भिन्न होता है। मैं बता चुका हूं कवि की रचनात्मक कल्पना क्या होती है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण होता है और वह बुद्धि के हिसाब से कल्पना करता है, लेकिन फैंटेसी भी कल्पना है, या बेतरतीब होता है, विश्रृंखलित होता है, इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता, और कल्पना में प्रॉपर ऑर्डर होता है। इसमें मनोबिंबों को मतलब मन में जो इमेज बने हुए हैं, मन में जो बिंब या प्रतिकृति बनी हुई है, प्रतिबिंब बना हुआ है, इसमें मनोबिंबों को समन्वित, संगठित और परिवर्तित करके नवीन रचना की शक्ति नहीं होती। कल्पना में यह शक्ति होती है कि कल्पना में मन में जो इमेज या बिंब बने हुए हैं वो अपने हिसाब से उसको ढाल लेती है, उसको परिवर्तित कर देती है ना, लेकिन यह जो फैंटेसी में यह व्यवस्था नहीं होती है, फैंटेसी के माध्यम से वह ज्यादा उसमें परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकता, वैसी रचना नहीं कर सकता। फैंटेसी में आने वाली बिंबावलियां बेतरतीब और विश्रृंखित होती हैं, उनकी स्थिति स्वप्न बिंबों जैसी होती है। मतलब फैंटेसी में जो इमेजेस आते हैं हमारे दिमाग में, या फैंटेसी के माध्यम से जो इमेज बनाए जाते हैं, जो बिंब बनाए जाते हैं, वे एक निश्चित श्रृंखला में नहीं होते, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, कुछ भी होते हैं, इधर उधर बेतरतीब, बिखरी हुई चीजें जैसे होती है, और उनकी स्थिति स्वप्न बिंबों जैसी होती है। स्वप्न बिंब मतलब जैसे हम कोई ख्वाब देखते हैं, हम कोई स्वप्न देखते हैं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जो भी होता हम देखते चले जाते हैं, इनका ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से स्वप्न देखेंगे, तो वैसी है। तो फैंटेसी में जो बिंब, जो इमेजेस बनते हैं फैंटेसी के आधार पर, वो बेतरतीब होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, उनका कोई निश्चित व्यवस्था या निश्चित क्रम नहीं होता है, स्वप्न जैसे होते हैं। स्वप्न में जो हम बिंब, हम जो इमेजेस देखते हैं, फैंटेसी में जीवन का वास्तविक यथार्थ रूपाय नहीं हो पाता। मतलब बिल्कुल जिंदगी की तल का सच्चाइयों को हम प्रतिबिंबित नहीं कर पाते, लेकिन किंतु टेक्निक के रूप में फैंटेसी का प्रयोग करके जीवन यथार्थ के बिंब प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब फैंटेसी में जीवन की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, बिल्कुल एज इट इज हम उसको प्रतिबिंबित नहीं कर सकते, जैसे यथार्थवाद में करते हैं। यथार्थवाद में क्या होता है, जैसा हमने देखा वैसे उसको हमने व्यक्त कर दिया, उसको बोलते हैं यथार्थवाद। मतलब जो चीज जैसी है उसका वैसे ही चित्रण करना, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। लेकिन फैंटेसी में टेक्निक के रूप में, एक तकनीक के रूप में, एक टेक्निक के रूप में हम फैंटेसी का प्रयोग करके जीवन के जो यथार्थ हैं उसको हम प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उसको हम प्रकाशित कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और फैंटेसी का संबंध रचनाकार के अवचेतन मन से होता है, इसलिए इसमें रचनाकार के मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है। फैंटेसी का आधार क्या होता है, आधारभूत तत्व क्या है फैंटेसी का? फैंटेसी का संबंध मनुष्य के अवचेतन मन से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जो अचेतन मन में जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, वही अतृप्त इच्छाएं हमारे जो अवचेतन मन है उसमें स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। तो फैंटेसी का संबंध इसी अवचेतन मन से है, इसलिए इसमें क्या होता है,
रचनाकार के मन में जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं, जो गोपनीय इच्छाएं हैं, जो निगूढ़ तत्व हैं, जो दुनिया की नजरों में नहीं आ पाई है, तो इन इन तत्वों की झलक मिल जाती है। मतलब कुछ बातें जो उसकी अतिरिक्त इच्छाएं हैं, जो उसके मन में जो गोपनीय बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, छिपी हुई इच्छाएं हैं साहित्यकार के मन में, इनकी एक झलक हमको फैंटेसी के माध्यम से उनकी रचनाओं में मिल जाती है। अब हम देखते हैं उपसार, उपसार भी लिखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि आखिर में हमने क्या समझा इससे, और यहां तक देखते आ गए, मतलब निश्चित रूप से मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो उपसंहार हम देखते हैं, आप ना तो कमेंट लिखते हैं और ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी आपसे शिकायत है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ही ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी कठिन अवधारणाएं हिंदी साहित्य की, उनको बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, और साथ ही इस लेक्चर का जो PDF है यह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे मनोविश्लेषणवाद पर जो मेरा जो एपिसोड है उसको देखना ना भूलें, और क्योंकि जो मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषण है, इसमें मेरी गहरी रुचि है, तो मैं इसको बहुत ही बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो अब हम देखते हैं फैंटेसी, फैंटेसी अब यहां हम उपसंहार लिख रहे हैं, हम इसको समराइज कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। विघटित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और बेतरतीब बिंबावलियों मतलब फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, और इसका संबंध हमारे सपनों से है। स्वप्न हम देखते हैं अवचेतन मन में, और अवचेतन मन में जो हम सपने देखते हैं वे बेतरतीब होते हैं, एक ऑर्डर में नहीं होते, छोटे 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 टुकड़ों में देखते चले जाते हैं, तो इनसे फैंटेसी का संबंध है। बिंबावलियां मतलब होता है इमेजेस, बिंब, चित्र। साहित्य या काव्य में यह एक टेक्निक के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आया हुआ शब्द है, तो साहित्य में इसको जो हमारे साहित्यकार या कवि है इसको टेक्निक के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी कवियों में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सर्वाधिक सहारा लिया है, और इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कामायनी एक पुनर्विचार में कि कामायनी भी एक फैंटेसी है, और इसका इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। फैंटेसी पर आधारित इनकी तीन कविताएं हैं, अंधेरे में, लकड़ी का रावण और ब्रह्म राक्षस। कविता में यथार्थ की निरंतरता, संश्लिष्टता मतलब जोड़, विसंगति मतलब असंगति, अंतर एवं बाह्य जगत सभी को एक साथ समझने के लिए कवि फैंटेसी का सहारा लेता है। कवि फैंटेसी का सहारा क्यों लेता है? यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, इसको जोड़ने के लिए, जिंदगी की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो सच्चाइयां हैं उनको जोड़ने के लिए, विसंगति या असंगति मतलब जो हमारी जिंदगी में जो विसंगति है, है ना, जो जो चीजें हमारे हिसाब से सामंजस्य पूर्ण नहीं है, और हमारे अंदर एवं बाहरी जगत, हमें मन में चलने वाली जो बातें हैं और हमारी दुनिया में जो हम चीज देखते हैं, इन सबको व्यक्त करने के लिए, एक साथ समेटने के लिए फैंटेसी का सहारा लेता है। मुक्तिबोध ने ऐसा किया है। मुक्तिबोध के शब्दों में, कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है। मतलब फैंटेसी के माध्यम से कवि भाषा को भी नवीनता प्रदान करता है, उसमें नए शब्द नए अर्थ भर देता है, मतलब शब्दों में नए अर्थ भर देता है फैंटेसी के माध्यम से, और शब्दों को नए चित्र प्रदान कर देता है, है ना, शब्दों के माध्यम से नए नए बिंब बनाता है, नए नए चित्र बनाता है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। जो कवि फैंटेसी के माध्यम से शब्दों को नया अर्थ देता है, नई अर्थवत्ता प्रदान करता है, वह भाषा का निर्माण करता है, शब्दों का निर्माण करता है, भाषा का विकास करता है, और ऐसे कवि बहुत ही महान कवि होते हैं। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की यथार्थवादी दृष्टि से प्रेरित एक महत्वपूर्ण कविता है। ब्रह्म राक्षस में क्या किया है, इसमें इन्होंने फैंटेसी का सुंदर विधान किया है, सुंदर व्यवस्था किया है फैंटेसी की इन्होंने। ब्रह्म राक्षस में फैंटेसी का बहुत ही सफल प्रयोग किया है। इस कविता में कवि कल्पना के माध्यम से एक अयथार्थ, अयथार्थ मतलब जो रियल नहीं है, रियल जिंदगी से नहीं लिए गए, आदिम प्रतीक जनिक, आदिम मतलब बहुत ही पुराने जो हमारे आदिम मानव हुआ करते थे, उनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करता है, जो कि परित्यक्ता है, वो एक बावड़ी है। बावड़ी मतलब क्या होता है, तालाब का छोटा रूप होता है। बावड़ी मतलब जैसे होता है ना कुआं, कुआं तो अलग हो जाता है, तालाब अलग हो जाता है, बावड़ी अलग हो जाता है। बावड़ी मतलब
जैसे पेड़ों के झुरमुट से घिरा हुआ कोई जगह है, उसमें पानी का स्टोरेज है, बहुत ही गहरा पानी का स्टोरेज है, जहां पर धूप और रोशनी कुछ नहीं आती, अंधेरा है ना, तो उसको बोलते हैं बावड़ी। चारों तरफ झुरमुट है, बीच में बहुत गहरा पानी है और रोशनी बहुत कम है। तो इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया जो परित्यक्त है, जहां पर कोई नहीं जाता, सुनी है, सुना है, उस सन्नाटा छाया है, वहां पर कोई नहीं जाता। उसकी चारों ओर शाखाएं हैं, है ना, मतलब पेड़ पौधे हैं, लाल फूल हैं, फूल खिले हुए हैं, घुघुओं के घोंसले हैं। घुघु है जो चिड़िया, एक चिड़िया का नाम है घुघु, उल्लू, उल्लू उल्लू कहने से आप जल्दी समझेंगे। घटा टोप अंधकार है, मतलब बहुत ज्यादा अंधकार है। तो यह चित्रण भयावह कथ्य के संप्रेषण की प्रतीकात्मक भूमिका है। सुनी बावड़ी के भीतर एक ब्रह्म राक्षस बैठा है जो कल्पना जनित। वास्तव में एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो मैं जो इन शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ शब्द बहुत कठिन लगते होंगे, हालांकि मैं उनका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर हरदेव बाहरी की एक डिक्शनरी आती है हिंदी शब्दकोश, उसको आप जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य के छात्र हैं, आपके पास हमेशा एक डिक्शनरी होनी चाहिए। जैसे आप घुग्गू शब्द मैंने किताब से ले लिया, मुझे उल्लू लिख देना था, लेकिन मैंने इस शब्द को ले लिया तो मुझे क्या फिर सोचना पड़ा उसके लिए, और मुझे हंसी भी आती है इन सब चीजों को जब आपको मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ। और कुछ छात्रों की यह मांग थी कि मैं हिंदी में अर्थ भी बताऊं, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊं, लेकिन आप डिक्शनरी रिफर करें प्लीज। तो इन्होंने जो ब्रह्म राक्षस में एक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है कि एक बावड़ी है, उसमें एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, लाल लाल आंखें हैं उसकी, और बिल्कुल अंधेरे में अकेले में बैठा हुआ है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को मैं बता चुका हूं कि एक व्यक्ति जिसकी इच्छाएं अतिरिक्त हैं, जो मर गया तो ब्रह्म राक्षस बन गया। भूत अलग होता है और ब्रह्म राक्षस अलग होता है, अलग कैटेगरी है ये। तो ये सारी सुपर नेचुरल चीजें हैं, अब मैं इन सारी चीजों को बताऊंगा आपको, भूत क्या है, ब्रह्म राक्षस क्या है, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा, चुड़ैल क्या है, तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा इसमें। तो ब्रह्म राक्षस एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, तो इनके हिसाब से जो ब्रह्म राक्षस इन्होंने बनाया हुआ क्या है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, जो मर चुका है, जो आत्ममुक्ति के लिए छटपटा रहा है। अब मर चुका भी है, इसकी आत्मा है, वह छटपटा रही है ना, वह मुक्त हो जाना चाहिए उसकी आत्मा, तो इसको परलोक जाना चाह रहा है वो, लेकिन नहीं जा पाया, इसे ही भटक रहा है जीवन भर। वह ब्रह्म राक्षस जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, जीवन भर ज्ञान अर्जन करता रहा, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत पढ़ाई किया, किंतु ज्ञान रूप से निकल नहीं पाता, ज्ञान के बोझ के नीचे दब गया है। ज्ञान तो उसको बहुत है, लेकिन वह अपने ज्ञान को व्यवहार में परिणत नहीं कर पाता। बहुत सारी किताबों को पढ़ाई किया है, लेकिन वह सिर्फ उस किताबी ज्ञान है, उस ज्ञान को वह व्यवहार में परिणत नहीं कर पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया। मतलब वह ज्ञान तो बेकार ही है, जो किताबी ज्ञान है, जिसको आप अपने कार्य व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, तो वह बेकार हो जाता है। ब्रह्म राक्षस असाधारण प्रतिभा का है। ब्रह्म राक्षस मतलब वह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी है, असाधारण प्रतिभा है उसमें। वह बेबीलोनी और वैदिक कथाओं, बेबीलोन की कथाएं, वैदिक कथाएं, छंद, मंत्र, थ्योरम एवं प्रमेय तथा मार्क्स, एंगेल्स, रसेल, हिडेगार, सार्थ, गांधी आदि सभी के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में समर्थ है। वह बावड़ी में अपना गणित जोड़ता घटाता मर जाता है। तो ब्रह्म राक्षस क्या है, वह एक ऐसा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी था, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया अपनी जिंदगी में, इतना पढ़ा, जितने भी दार्शनिक हुए, महान विद्वान हुए, सारी की किताबों को उसने पढ़ लिया और उन सिद्धांतों को एक्सप्लेन कर सकता है ना, उनकी बहुत ही बेहतरीन व्याख्या कर सकता है, लेकिन ऐसे करते करते वह जिंदगी में जोड़ता घटाता हुआ मर जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणत नहीं कर पाता है। तो इस फैंटेसी में, तो एक फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म राक्षस की कल्पना किया है, एक इमेज बनाया है उसका फैंटेसी के माध्यम से, यह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। इस फैंटेसी में एक ऐसे पात्र का निर्माण किया गया है जो मानव जीवन के सामान्य स्थितियों में नहीं पाया जाता, जहां पशु तथा मानव जीवन का अंतर मिट गया है, भौतिक शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो गई। मतलब फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे ब्रह्म राक्षस की कल्पना की है जो आम जिंदगी में मुमकिन नहीं है, कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी हो हमारे आम जिंदगी में इतना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर ये जो ब्रह्म राक्षस है, ना तो यह पशु है, ना तो मानव है, मनुष्य है, ब्रह्म राक्षस एक आत्मा है, सुपर नेचुरल है। तो यहाँ पर फैंटेसी के माध्यम से एक ऐसे पात्र की कल्पना की गई है जो ना तो पशु है, ना तो मानव है, जो आम जिंदगी में नहीं पाया जाता, किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा नहीं है। तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र की सीमा भी समाप्त हो जाती है, भौतिक शास्त्र मतलब जो हमारे आम जिंदगी में देखते हैं, तो इसकी सीमाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह फैंटेसी है, कल्पना है। तो यह चित्रण
बाह्य रूप से अमूर्त और असंगत भले ही प्रतीत हो किंतु यह कटु सत्य है। लेकिन वास्तव में भले ही हमको यह काल्पनिक लग रहा है लेकिन वास्तव में यह क्या है, भले ही हमको अमूर्त लग रहा है, अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, यह असंगत है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रह्म रक्षक जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। भले ही हमको ऐसा लग रहा है लेकिन वास्तव में यह कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई कैसे है, पिस गया हुआ भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो ब्रह्म राक्षस का ट्रेजिक एंडिंग होता है, मतलब एक व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, जो मर जाता है उसकी ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है। बहुत ज्ञानी है लेकिन उसका अंत ऐसा हो जाता है कि वह अपनी जो जो पढ़ा लिखा उसको अपने कार्य व्यवहार में परिणत नहीं कर पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया, बेचारा मर जाता है। एक बुद्धिजीवी, एक मध्यम वर्गीय ऐसे ही मर जाता है, हम सब ऐसे ही मौत मरते हैं। तो इसी के तल का सच्चाई को इन्होंने इसका वर्णन किया है। इस फैंटेसी में असाधारण भाषा, प्रतीक बिंब एवं अतिरंजित कल्पना ही अद्भुत सत्य को प्रस्तुत करने में समर्थ है। मतलब ये जो ट्रेजिक एंडिंग है, एक बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी की जो ट्रेजिक एंडिंग है, बहुत ही दुखद अंत है, त्रासद अंत है। तो फैंटेसी के माध्यम से, और इस फैंटेसी में उन्होंने असाधारण भाषा, बहुत ही विलक्षण भाषा का प्रयोग किया है, प्रतीक और बिंब का प्रयोग किया है। यह प्रतीक क्या है, ब्रह्म राक्षस मध्यम वर्गीय व्यक्ति का प्रतीक है जो बहुत ही बुद्धिजीवी है और ज्ञानी है। और बिंब मतलब उसका एक इमेज बनता है ब्रह्म राक्षस का, एक भटकती हुई आत्मा है, उसका बिंब हमारे सामने आता है। अतिरंजित कल्पना, इतनी ज्यादा कल्पना को अतिरंजित कर देते हैं, जो बावड़ी का जो वहां पर डिस्क्रिप्शन है, वहां पर उल्लू है, पेड़ पौधे हैं, तो अतिरंजित है। कल्पना का मतलब क्लाइमेक्स है, इतनी ऊंचाई तक लेकर गए हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने एक अद्भुत सत्य को प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। तो इसके तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।